नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की जो महत्वपूर्ण एक परिमेय बच रही थी अपनी अधिकतम शक्ति संचरण परिमेय उसका अध्ययन करेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन जो थ्योरम होती है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से। अतः इसको सोल्व करने से इसका कथन बहुत आसान है। इसके कथन में बताया गया है कि जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा दोनों परस्पर संयोगी होती है तो स्रोत से जो लोड को संचित शक्ति का मान होता है वो अधिकतम मान होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि लोड प्रतिबाधा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयोगी जब होगी तो स्रोत से जो शक्ति निकलेगी वो अधिकतम प्राप्त होती है। अब इसकी जब हम उत्पत्ति देखते हैं तो इसमें द्विविध विनम रेशिका का उपयोग किया जाता है जिसमें प्रतिबाधा पहले पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एन। अब यहां जेड इक्विवेलेंट का मान समीकरण 1 से जेड एन का मान समीकरण 2 से पुट कर देते हैं तो अपना मान प्राप्त होता है इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस आर एन प्लस जे एक्स। अब अपने को क्या करना है, यहां से काल्पनिक भाग को एक तरफ और वास्तविक भाग को एक तरफ, यानी कि इक्विवेलेंट वास्तविक भाग होता है आर इक्विवेलेंट प्लस आर प्लस काल्पनिक भाग जे दोनों में है कॉमन ले लिया एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स आर, ये आपकी समीकरण 4 प्राप्त होती है। इसके बाद हम शक्ति की परिभाषा जानते हैं पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है और आई आर क्या है आईएल है। इस समीकरण 4 का स्क्वायर हो रहा है ये अपना अधिकतम शक्ति संचित जो मान प्राप्त हो रहा है पी बराबर ई इक्विवेलेंट स्क्वायर रो आर एल आपको उसके बाद अपने को क्या करना है कि R इक्विवेलेंट और R के कोई भी मान के लिए जो संचित शक्ति का मान तभी अधिकतम होगा जब ये बात भी हो। क्या कहा गया है कि इसका आर एल की वैल्यू रखेंगे, वी आर एल के सापेक्ष जैसे हमने यहाँ बी की वैल्यू रखी
प्लस अब अपने को किसको इक्वेलेंट स्क्वायर रूट डाल रहे हो कैसे कैसे लग रहा है इसका जब आप फार्मूला करेंगे तो x की पावर 10 बनता है और माइनस को पहले आ गया r इक्वेलेंट प्लस r है माइनस को माइनस से माइनस की हो गया अब अपने को माइनस का मतलब इनको नीचे लेना है तो इक्वेलेंट स्क्वायर आपको ये माइनस को है r इक्वेलेंट प्लस r का होल स्क्वायर बीच में किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है टू इक्वेलेंट स्क्वायर रूट डाल रहे हो आपको r इक्वेलेंट प्लस r का क्यों यहां से लेस करेंगे तो लेस आ गया यहाँ पे r इक्वेलेंट प्लस r मल्टीप्लाई हो गया जैसे कैसे आ गई इसके बाद e इक्वेलेंट स्क्वायर कॉमन आता है जैसे इसको कॉमन लिया तो समझ गए r इक्वेलेंट प्लस r माइनस 2r माइनस 2r में से r कम करेंगे माइनस r हो गया तो अपन क्या लिख सकते हैं कि e इक्वेलेंट इज नॉट इक्वल टू 0 r इक्वेलेंट माइनस r बराबर 0 अब पक्षांतर करें तो r इक्वेलेंट बराबर r हो जाता है माना ये समीकरण नंबर 3 अब समीकरण 9 6 से मान समीकरण 9 और 6 से मान समीकरण 2 में रखने से समीकरण 9 और 6 से मान 2 में रखने पर ZL बराबर RL की वैल्यू क्या आई है r इक्वेलेंट और x है